Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा में उम्र रसीदा अफराद की तादाद में इजाफा, मुल्क में वर्क फोर्स का तनासुब कम होने लगा। माहिरीन का कहना है कि इमिग्रेशन से भी मसला हल नहीं होगा। कैनेडियन सूबे सस्केचुआन में बर्फानी तूफान के बाद 1500 के करीब अफराद बिजली से महरूम। बिजली के मुकामी इदारे का कहना है कि 180 कारकुनान बिजली बहाल करने में मसरूफ हैं। तेज हवाओं और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऑन्टेरियो में 125 से ज्यादा ग्रुपों का इत्तेहाद, सियासी जमातों से इलेक्शन में माहौलियात को तरजीह देने का मुतालबा। ऑन्टेरियो क्लाइमेट इमरजेंसी मुहिम का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत को मुंतखब करने की ज़रूरत है। इसराइल का दमिश्क के करीब फजाई हमला, 9 अफराद हलाक। इसराइली बमबारी से जख्मी होने वाले मुतादिर अफराद की हालत तश्वीशनाक। हमले को 2022 के दौरान शाम में मोहलिक तरीन हमला करार दिया जा रहा है। अकाउंट बहाल भी कर दिया जाए तो ट्विटर पर वापस नहीं आऊंगा। ट्विटर पर वापसी के हवाले से साबिक अमरीकी सदर भी बोल पड़े। ट्रंप का कहना है कि ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुंसलिक रहूंगा। रूस का जवाबी वार, 2 यूरोपीय मुल्कों की गैस बंद कर दी। गैस की सप्लाई रोकने को यूरोपीय मुल्कों ने रूसी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। सप्लाई रोकने से दोनों ममालिक को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड With Allstate. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। माहिरीन ने खबरदार किया है कि कनाडा में मर्दम शुमारी के नए अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में उम्र रसीदा अफराद की बढ़ती तादाद कनाडा के लिए मुस्तकबिल के मसाइल पैदा कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मर्दम शुमारी के नए आदाद शुमार के मुताबिक कनाडा में उम्र रसीदा अफराद की बढ़ती तादाद कनाडा के लिए मुस्तकबिल के मसाइल पैदा कर रही है। कनाडा में अफरादी क़ुव्वत में दाखिल होने के मुकाबले में ज्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं और मर्दम शुमारी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार बताते हैं कि ये फ़र्क आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ेगा। एक रुझान जिससे कुछ माहरीन ने खबरदार किया है कि सेहत की देखभाल और रिहाइश जैसी खिदमात पर दबाव पड़ेगा और ये मुकम्मल तौर पर इमिग्रेशन से हल नहीं होगा। बुध को जारी करदा मर्दम शुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक कनाडा में काम करने की उम्र की आबादी 15 से 64 साल की उम्र के अफराद में बूढ़े पहले से कहीं ज्यादा है। आदाद शुमार से पता चलता है कि अब 15 से 24 साल की उम्र के लोगों के मुकाबले में 55 से 64 साल की उम्र के लोगों का एक बड़ा तनासुब है जिस उम्र में लोग काम करना शुरू करते हैं। माहरीन का कहना है कि इस सिलसिले में इमिग्रेशन मदद कर सकती है लेकिन ये मसले का हल नहीं है। तकरीबन 21.8% आबादी रिटायरमेंट के करीब है जिनकी उम्र 55 से 64 साल के दरमियान है जो कैनेडियन मर्दमशुमारी की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसका मतलब है कि काम करने वाले 5 में से 1 बालिग अब रिटायर्ड के करीब है। एक आबादियाती तब्दीली जिसकी तवक्को है कि आने वाली दहाई में अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।
कनाडा के सूबे सस्केचुआन के जनूबी मशरक हिस्से में रहने वाली बड़ी आबादी मौसम बहार के हालिया बर्फानी तूफान के बाद से बिजली से महरूम हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे सस्केचुआन के जनूब मशरकी हिस्से में रहने वाले बहुत से लोगों के पास मौसम बहार के हालिया बर्फानी तूफान के बाद से बिजली नहीं है। तूफान ने लाइनों को नुकसान पहुंचाया है और बिजली के खंभे तोड़ दिए हैं। पीर की रात मजमुई तौर पर 1482 अफराद बिजली से महरूम थे। सिस्क पावर ने कहा कि कीचड़ भरे रास्ते बहाली में ताखीर का सबब बन रहे हैं। अगरचे इतवार के रोज बहुत से रिहायशियों और किसानों की बिजली बहाल हो चुकी थी, लेकिन कारायल, एस्तवान, मौसमियन और कॉन्जर्व में लोग अब भी अंधेरे में हैं। सिस्क पावर का कहना है कि तवक्को है कि आज रात इन सार्फीन की अक्सरियत के लिए बिजली वापस आ जाएगी और कल तक बिजली से महरूम अफराद के लिए सिस्क पावर को बहाल करने और सार्फीन को बताने के लिए वक्त का तायुन कर दिया जाएगा। मैट ग्रिगोर ने कहा कि हम स्विफ्ट करंट, नॉर्थ बैटलफोर्ड, रिजीनिया, साइस्कॉन, मैल्यूल, यार्किटन और विबेरियन से मुख्तलिफ अजला से अमले लाए। हमारे पास तकरीबन 180 कारकुन इन इलाकों में बिजली की बहाली पर काम कर रहे हैं। सिस्क पावर के मुताबिक पीर को नुकसान का जामे जायजा मुकम्मल किया गया। नुकसान के तकरीबन 1300 वाकयात की निशानदेही की गई। इस माह के अवायल में मीपल क्रैक के इलाके में आने वाले तूफान के नतीजे में तकरीबन 300 नुकसान के वाकयात हुए। सिस्क पावर की वेबसाइट के मुताबिक तेज हवाओं और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। اونٹیریو کلائمیٹ ایکشن مہم سیاسی جماعتوں سے انتخابات میں ماحولیات کو ترجیح دینے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو کلائمیٹ ایکشن مہم سیاسی جماعتوں سے انتخابات میں ماحولیات کو ترجیح دینے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اونٹیریو کلائمیٹ ایمرجنسی مہم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ ایکشن کا وقت ہے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اونٹیریو بھر سے 125 سے زیادہ گروپوں کا ایک نیا اتحاد آئندہ صوبائی انتخابات میں ماحولیات کو ایک کلیدی مسئلہ بنانے پر زور دے رہا ہے، جس میں آب و ہوا کے اہداف کو پابند کرنے، معیشت میں اخراج کو کم کرنے اور فوسل ایندھن کے استعمال کو ختم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اونٹیریو کلائمیٹ ایمرجنسی کیمپین کے اراکین نے گروپ کے 12 نکاتی آب و ہوا سے متعلق ایکشن پلان کا اعلان کیا، جس میں 2 جون کو انتخابات کے دن تک ووٹروں اور جماعتوں سے بات چیت اور عمل کی حوصلہ افزائی کی امید تھی۔ ورکرز ایکشن سینٹر نے کہا کہ صوبے بھر میں کمیونٹیز کو ایسی حکومت منتخب کرنے کی ضرورت ہے جو اخراج سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہو۔ اس صوبے کے لوگ توجہ دے رہے ہیں اور یہ ایک ایسا وقت ہے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مارچ کے اختتام سے اب تک اسرائیل کی جانب سے مختلف کاروائیوں میں 25 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب فضائی حملے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق دمشق کے قریب کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے افراد میں 5 شامی فوجی بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے فضائی حملے میں اسلحہ ڈپو سمیت متعدد فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے اس حملے کو 2022 کے دوران شام میں مہلک ترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کچھ روز قبل شام کے مشرقی علاقے میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملے میں 2 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی حکام کے مطابق راکٹ حملے میں دونوں اہلکاروں کو معمولی زخم آئے۔ اس علاقے میں یہ امریکی افواج پر اس سال 3rd حملہ تھا۔ دوسری جانب فلسطین کے مقبوضہ علاقے مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی نوجوان اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے آج علی صبح اقبت جابر نامی مہاجر کیمپ پر حلہ بولا۔ اس دوران اسرائیلی فوج کے جارحانہ رویے کے باعث ہونے والی ایک جھڑپ میں 20 سالہ فلسطینی نوجوان احمد ابراہیم عویدیات سر میں گولی لگنے سے زخمی ہوا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مارچ کے اختتام سے اب تک اسرائیل کی جانب سے مختلف کاروائیوں میں 25 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال بھی کر دیا جائے تو بھی وہ ٹویٹر جوائن نہیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال بھی کر دیا جائے تو بھی وہ ٹویٹر جوائن نہیں کریں گے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی جانب سے ٹویٹر کو خریدنے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی سے متعلق سوشل میڈیا پر بعض گشت جاری ہے۔ کہیں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا
और कहीं ट्विटर की नई पॉलिसी पर सवाल भी उठाया गया। ट्विटर पर वापसी के हवाले से साबिक अमरीकी सदर भी बोल पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि एलन मस्क की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर को खरीदने के बाद अगर उनका अकाउंट बहाल भी कर दिया जाता है तो भी वो वापस नहीं आएंगे। अमरीकी मीडिया हाउस फॉक्स न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था कि मैं ट्विटर पर वापस नहीं जा रहा, अलबत्ता ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म से मुंसलिक रहूंगा। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते वो ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने एलन मस्क की जानिब से ट्विटर खरीदे जाने पर तबसरा करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि एलन ट्विटर को खरीदने के बाद इसमें बेहतरी लाएंगे और वो एक अच्छे इंसान हैं, मगर मैं फिर भी नए नेटवर्क पर मौजूद रहूंगा। वाजे रहे कि सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर और अरबपति एलन मस्क के दरमियान 44 अरब डॉलर में फरोख्त का मुआहदा तय पाने के बाद एलन मस्क ट्विटर के वाहिद शेयर होल्डर बन गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्विटर ने एलन मस्क की 54.20 डॉलर फी शेयर में खरीदने की पेशकश कबूल की है। रूस ने यूक्रेन तनाज़े के पेश नज़र रूसी करेंसी रूबल में रकम की अदायगी ना करने पर पोलैंड और बल्गारिया को गैस की फराहमी बंद कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने यूक्रेन तनाज़े के पेश नज़र रूसी करेंसी रूबल में रकम की अदायगी ना करने पर पोलैंड और बल्गारिया को गैस की फराहमी बंद कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यमन माहदे के तहत पोलैंड और बल्गारिया को गैस की सप्लाई रोक दी है। रूस की गैस फराहम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी गैसप्रोम ने सप्लाई अप्रैल के लिए रकम की अदायगी रूसी करेंसी रूबल में ना करने पर बंद की है। पोलैंड अपनी ज़रूरत की 50% गैस रूस से खरीद रहा है। उसका रूसी एनर्जी कंपनी गैसप्रोम से सालाना 10.2 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का मुआहदा है। सप्लाई बंद होने पर पोलैंड को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब बल्गारिया, जिसका तकरीबन मुकम्मल इन्हिसार रूस से दरामद होने वाली गैस पर है, इसके लिए मुश्किलात ज्यादा बढ़ सकती हैं। बल्गारिया का कहना है कि वो पहले से ही गैसप्रोम से होने वाले मुआहदे की शराइत पर अमल कर रहा है। अगर अदायगियों के नए तरीक़ेकार का मुतालबा किया गया तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ख्याल रहे कि यूक्रेन तनाज़े के बायस मगरबी ममालिक की जानिब से आयद की गई पाबंदियों के बायस रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतालबा किया था कि जो ममालिक रूस को अपना दोस्त तस्वुर नहीं करते वो गैस की फराहमी के लिए अदायगी रूबल में करें। हंगरी के अलावा तमाम यूरोपीय ममालिक ने रूसी सदर पुतिन के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया था। रूस ने इब्तदाई तौर पर पोलैंड और बल्गारिया को निशाना बनाया है। तजियाकारों का कहना है कि अगर रूस ने दीगर यूरोपीय ममालिक को भी गैस की सप्लाई रोक दी तो उससे यूरोपीय ममालिक को शदीद धचका लगेगा और पहले से आसमान को छूती गैस की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा और यूरोपीय ममालिक को राशनिंग करनी पड़ेगी। गैस सप्लाई बंद करने पर रद्द अमल देते हुए यूक्रेन ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तवानाई के मामले की बुनियाद पर यूरोप को ब्लैकमेल करके उसके इत्तेहादियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।